हेलो एवरीवन, चैप्टर 6 पाइथन फंडामेंटल में आज हम देख रहे हैं लिटरल्स। हमने कल देखा था न्यूमेरिक लिटरल्स, उसके पहले हमने स्ट्रिंग लिटरल्स देखा था। आज हम देख रहे हैं बूलियन लिटरल्स। तो बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं? बूलियन में दो ही वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स, है ना। ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। सो देयर आर ओनली टू वैल्यूज, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। दिस कॉल्ड अ बूलियन लिटरल्स। आफ्टर दैट सम स्पेशल लिटरल्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड नन। स्पेशल लिटरल्स कॉल्ड नन। नन मींस व्हाट? नन्स मीन नथिंग। नन का मतलब होता है कि कुछ भी वैल्यू नहीं है। एक वैलिड एम्प्टी वैल्यू होती है, एम्प्टी वैल्यू, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे नथिंग। पाइथन में नन का मतलब है नथिंग। अगर आप जैसे किसी वैल्यू को, जैसे बी है, बी को हमने नन असाइन किया है, नन मतलब क्या? कुछ भी नहीं, नथिंग। एंड वी आर ट्राइंग टू जस्ट इंटरक्टिव मोड पे आप प्रॉम्प्ट के आगे बी करो, बी को टाइप करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा आपको। ठीक उसी तरह इसको अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट में देते हैं, तो प्रिंट स्टेटमेंट में देने के बाद भी बी को अगर हम प्रिंट करेंगे तो इट विल प्रिंट द नन वैल्यू। सो नन मीन्स नथिंग। इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर इज व्हाट? द ऑपरेटर्स विच ऑपरेट ऑन अ ऑपरेंड्स। कोई भी ऑपरेटर किसी ऑपरेंड पे ऑपरेट होता है, उसको कहा जाता है ऑपरेटर्स। जैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स की कैटेगरी अलग अलग है। तो ये जो ऑपरेटर्स है, ये दो तरीके के होते हैं आपके, अनरी एंड बाइनरी। अब अनरी में कितने ऑपरेंड रिक्वायर्ड है और बाइनरी में कितने ऑपरेंड रिक्वायर्ड है। सो अनरी में ओनली 1 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है और यहाँ पे 2 ऑपरेंड, एटलीस्ट मिनिमम 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड इन बाइनरी ऑपरेटर्स। तो अनरी किस पे ऑपरेट होते हैं? सिंगल ऑपरेंड पे। ऑपरेंड का मतलब, फॉर एग्जांपल हमने लिखा a प्लस बी, तो ये प्लस क्या है? दिस इज द ऑपरेटर। एंड a एंड b इज व्हाट? दिस इज द ऑपरेंड, इज कॉल्ड ऑपरेंड। तो वो ऑपरेटर्स जो सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट होते हैं उसको अनरी कहा जाता है। और बाइनरी जो दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड पे ऑपरेट होते हैं उनको बाइनरी कहा जाता है। अब ये अनरी में कौन से आते हैं? अनरी में, अनरी ऑपरेटर्स में प्लस माइनस बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट और लॉजिकल नॉट, जिसको हम कहते हैं नॉट, लॉजिकल नॉट। नॉट मतलब यहाँ पे निगेशन होता है, so these are the unary operators. In the same way, binary operators, binary operators which operate on a two operands minimum, that is why it is called binary operators. So binary operators में सबसे पहले आपका आता है arithmetic। ये binary operator के अलग अलग part में divided है। तो सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपके क्या क्या आएंगे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस साइन एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन। दिस ऑल आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आफ्टर दैट बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर भी है, इसकी भी तीन अलग अलग कैटेगरी होती है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। देन द शिफ्ट ऑपरेटर, दिस इज द लेफ्ट शिफ्ट एंड दिस इज द राइट शिफ्ट। नाउ आफ्टर दैट आइडेंटिटी ऑपरेटर, मतलब कोई ऑपरेटर है या नहीं है, तो इज और इज नॉट, दिट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर। आफ्टर दैट रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है कि दो ऑपरेंड में
डिफरेंशियल या कंपैरिजन करता है, जैसे कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू एंड नॉट. दिस ऑल आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स. आफ्टर दैट लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो देयर आर टू लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल and logical or. After that, assignment operators. Assignment operators. So assignment operators are like equal to plus equals to assign the sum. This is assign any value. Assignment. This is assignment. उसी तरीके से माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू एंड फ्लोर डिवीजन मॉड्यूलस इक्वल्स टू. तो इस तरीके से ये सभी असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स. उसके बाद बात करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स. तो मेंबरशिप ऑपरेटर ये सभी हमको प्रैक्टिकली देखना है, अभी आप सिर्फ देखें कि कौन से ऑपरेटर्स हैं. तो मेंबरशिप ऑपरेटर not in. These two are the membership operators, in and not in. After that punctuators. So what is a punctuator? जो हम programming में जो हर statement देते हैं, हर statement में कुछ ना कुछ punctuators का use किया जाता है. जैसे हम opening bracket देते हैं, closing bracket देते हैं, curly brackets देते हैं, square brackets देते हैं, कहीं colon लगाते हैं, कहीं semicolon लगाते हैं, कहीं comma लगाते हैं. तो these all are the punctuators which we use in the programming statement to define a structure. जो आपका syntax structure होता है programming का, ये उसके लिए required होते हैं. The punctuators are the symbols that are used in programming language to organize programming structure, sentence structure and indicate the rhythm and emphasis of expression में use किए जाते हैं and program structure. So these are like comma, double quote, single quote, hash, slash, open and close parentheses, open and close square bracket, open and close curly brackets, at the rate, colon, comma and equal to. These all are the punctuators which we use in a programming syntax and when we write any statement in Python programming language.